हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल KGN ऑटो रिपेयर सेंटर में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर BS6 मालगाड़ी प्याजो ऑटो का अगर क्लच प्लेट जल गया है तो आप उसे खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर क्लच प्लेट जल गया है तो आप उसे खुद से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगी। ये BS6 इंजन का है तो आपको ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये वाला बोल्ट को खोलना है और ये बोल्ट 12 नंबर के रिंच से खुलेगा और इसी में रिवर्स गियर का स्प्रिंग फंसता है। उसके बाद 10 नंबर के टी पाना से ये सभी नट को खोल लेना है। अगर आपके पास टी पाना नहीं है तो आप रिंच से भी इसे खोल सकते हैं, ये 10 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर फटाफट सबको खोल लेते हैं, फिर आपको आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। ये सब खोल लेने के बाद फिर क्लच कटोरे को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बैरिंग लगा हुआ है, उसको भी हाथ से बाहर निकाल लेंगे। आप देखते रहिए किस तरीके से निकाला जा रहा है। फिर 13 नंबर के गोटे हैंडल से ये इसके अंदर में एक बोल्ट है, उसको खोलेंगे। उसके बाद क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट दोनों सेट को ही बाहर निकाल लेंगे। ये मेरा क्लच कटोरा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, 13 नंबर के बोल्ट को खोले थे ना, वो इसके अंदर ही रह गया था, क्योंकि वो एरो लाइट से चिपका हुआ रहता है, इसलिए अभी इसको बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर निकल गया। अब उसके बाद हमारे पास एक नट बोल्ट का पुलर हम लोगों ने बना के रखे हैं, तो अब उसको लगाएंगे और नट को टाइट करेंगे, फिर उसमें से क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट को बाहर निकालेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे के वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं, और अब क्या करना है ना दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका लॉक को निकालना है। और लॉक को निकालने के साथ ही हमारा क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट बाहर निकल आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और आप चेक कर लेते कि कौन सा सही है, कौन सा खराब है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरे ही क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट जला हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देख लीजिए, ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि पूरा उंगली से ही इसको निकल जा रहा है इसका मटेरियल। और सिर्फ एक ही क्लच प्लेट नहीं जला है, पूरा पूरा क्लच प्लेट जल चुका है। और इसके साथ साथ एक बार प्रेशर प्लेट को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये भी बिल्कुल उसी की तरह गया हुआ है, बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, बिल्कुल ही जल गया है ये। तो इसकी जगह पर अब नया को लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब नया क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट को फिट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग कि इसमें ना सबसे पहले वाशर पड़ता है, तो सबसे पहले वाशर को, ये वाला वाशर को इसमें डाल देंगे। ये वाशर लगाना ना भूलें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वाशर ध्यान से ज़रूर लगाएं नीचे। और दोस्तों, ये हमारे पास पॉप कंपनी यानी कि प्याजो कंपनी के ओरिजिनल PS6 इंजन का क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट दोनों सेट एक ही में पैकिंग के साथ ये आया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये। तो ये रहा हमारा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, तो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि BS6 का ना थोड़ा अलग दिया है। और दोस्तों, एक नया इंजन ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के ऊपर ना वही नया इंजन ऑयल को लगा के फिट करेंगे। याद रखिएगा, इसमें जला हुआ मोबिल को नहीं डालना है, इसमें ना नया मोबिल को डालना है ताकि अच्छा रहे। तो थोड़ा सा ढक्कन में इंजन ऑयल को ले लेना है और उसी इंजन ऑयल को क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में लगा लगा कर उसके बाद क्लच कटोरा में बैठाएंगे। देखिए दोस्तों, प्याजो BS6 इंजन में ना दो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ऐसा है जो कि दोनों एक ही साथ में है, दोनों एक साथ कंबाइन किया हुआ रहता है, जो कि एक नीचे लगता है और एक सबसे ऊपर लगता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लच प्लेट वाला को नीचे की तरफ रखेंगे और प्रेशर प्लेट वाला को ऊपर की तरफ रखेंगे। दोस्तों, ये जो है ना क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट दोनों एक ही साथ दिया हुआ है इसमें, और इसी के साथ साथ ऊपर से पिनियन को भी लगा देंगे। फिर हाथ में इंजन ऑयल लेके ये जो प्रेशर प्लेट आपको दिख रहा है ना, इसमें पूरा में लगा लेंगे।
उसके बाद जो नॉर्मल क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट होता है ना, जैसे लगाते थे वैसे ही लगा देंगे, क्योंकि अब जो है वो उसमें क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट एक साथ नहीं है, अब सब अलग अलग है। और एक बात को आपको विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को लगाने से पहले ना उसमें इंजन ऑयल को अच्छे तरीके से लगा ले, यानी कि मोबिल को अच्छे तरीके से लगा ले, फिर उसमें लगाएंगे। पहले क्लच प्लेट को लगा लिए, अब उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितने भी क्लच प्लेट है ना, वो सब में ना एक खांच बना हुआ है, मतलब पूरा में नहीं, बस एक ही जगह एक ही खांच बना हुआ है, और वो खांच को ना यहाँ पे बैठाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे बैठाना है, तो आपको यहीं पे बैठाना है तभी बैठेगा, अगर आप दूसरे जगह बैठाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बैठेगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रख के ही काम करनी है। उसके बाद जितना ही बचा है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, वो सबको लगा देंगे। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उस सब लगाने के बाद दोस्तों, अब बचा लास्ट वाला, जिसमें क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट दोनों एक साथ कंबाइंड किया हुआ है, तो इसको सबसे ऊपर से लगाएंगे। इसके ऊपर भी एक प्रेशर प्लेट आएगा, तो उसको भी लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने से पहले दोस्तों इसमें ना अच्छा से मोबिल को अच्छा मोबिल लगा देना है। उसके बाद लास्ट में ये वाला प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। सभी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को लगाने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं सब सही तरीके से लगा है कि नहीं। तो यहाँ पे सब सही तरीके से लगा हुआ है, तो अब उसके बाद ऊपर से लॉक को लगा देंगे। अब फाइनल एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही से लगा है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ सही से लगा हुआ है, तो अब क्या करना है दोस्तों, जो कूलर को लगाए थे ना पहले हम लोग, तो उसको अब खोल लेंगे इसमें से। सब कुछ को सही से सेटिंग करने के बाद अब दोस्तों क्लच सेट है ना, उसको ना अब गियर बॉक्स में लगाएंगे। और किस तरीके से लगाना है आप देख लीजिए, कहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगा के कैसे सेटिंग करके लगाया जाता है वो आप देख लीजिए। आपको भी ठीक इसी तरीके से सेटिंग करना है और लगाना भी है। क्लच कटोरे को सही से सेटिंग करने के बाद अब दोस्तों 13 नंबर के जो बोल्ट को निकाले थे ना, अब उसको इसमें टाइट कर देंगे। बोल्ट को पूरा फुल टाइट करने के लिए ना दोस्तों, आपको ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को फंसानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये पूरा फुल टाइट हो पाएगी। तो आप पहले यहाँ पे फंसा ले स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद इसको पूरा फुल टाइट कर दे। तो ये हो गया पूरा फुल टाइट, अब बैरिंग को लगा देंगे इसमें। बैरिंग लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, वो बस हाथ से ही लग जाते हैं, बस जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कितना इजी तरीके से हाथ से ही लग गया ये। बैरिंग लगाने के बाद दोस्तों अब बाहर वाला कटोरा जो है ना, क्लच कटोरा, उसको अब लगाने का है। तो चलिए फिर उसको भी लगा देते हैं। क्लच कटोरे को टाइट करने के बाद दोस्तों
वो जो रिवर्स गियर के बोल्ट को खोले थे ना, जिसमें रिवर्स गियर का स्प्रिंग फंसता है, अब उसको टाइट करेंगे, जो कि 12 नंबर के रिंच से टाइट होगा। टाइट करने के बाद अब पिलास से स्प्रिंग को उसमें फंसा देंगे। ये सब कर लेने के बाद दोस्तों अब ना क्लच केबल की तरफ चलेंगे और क्लच केबल को हल्का लूज कर लेंगे, क्योंकि पहले से ज़्यादा टाइट किया हुआ था, तो अब उसको ना थोड़ा लूज कर लेंगे, क्योंकि नया क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डाला है ना, तो पहले लूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको सेटिंग कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे तो क्लच को अच्छे तरीके से हम लोग सेटिंग कर दिए हैं, तो हम लोग इसी के साथ चलेंगे। ये सब कुछ अच्छे तरीके से सेटिंग और फिटिंग करने के बाद दोस्तों अब लास्ट में गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके और चला के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोगों ने जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को जो चेंज किए ना, वो अब अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।